दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो टपरी वाली, हाईवे या फिर ढाबों वाली कटिंग चाय का टेस्ट घर पे परफेक्ट नहीं आता है? तो बस मेरे हस्बैंड को भी यही लगता है, तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि ऐसी क्रीमी परफेक्ट मिठास वाली अदरक इलायची वाली चाय तो मुझे घर पे बना के दिखा दे। तो मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। इसके लिए सॉस पैन में या फिर टोप में हम ले लेंगे 3 कप पानी, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ 4 से 5 मीडियम साइज के कप्स। और गैस का फ्लेम ऑन करके यहाँ पे आपका आता है पहला पॉइंट, पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे फ्रेंड्स, तो ही उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, चाय पत्ती, अदरक, इलायची वगैरह, वरना क्या हो सकता है ना, आपकी चाय कड़वी हो सकती है। तो ये था आपके लिए पहला टिप। तो जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमाम दस्ते में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से टुकड़े अदरक के, और इसको सबसे पहले कूट लेंगे। तो कूटने से क्या होगा, इसका जो रस है अच्छे से बाहर आ जाएगा और चाय में अच्छा सा पूरा फ्लेवर आ जाएगा इसका, क्योंकि इसके बिना तो चाय का टेस्ट एकदम अधूरा सा ही लगता है, खास करके इस मौसम में। ये देखिए, जब अच्छे से कूट गई है, इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ करीबन 2 इलायची, छोटी वाली हरी इलायची, और 2 से 3 लौंग, और इसको भी अच्छे से कूट लेंगे अदरक के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, लौंग के साथ आप 2 से 3 काली मिर्ची के दाने भी डाल सकते हैं, अगर आपको सर्दी, जुकाम और खांसी के साथ साथ आपका गला खराब हो तो। तो ये देखिए, पानी में अच्छा सा उबाल आ गया। इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें मसाले, तो ये पूरा मसाला इसमें डाल देंगे और इस मसाले को अभी अच्छे से उबलने देंगे पानी में 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताती जा रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो उसी से फ्लेवर एकदम अच्छे से रस बस जाएगा पानी में। और हाँ, आप चाहते तो यहाँ पे अदरक को ग्रेट भी कर सकते थे, लेकिन वैसा करने से क्या होता है ना, चाय आपकी कड़वी हो जाती है। जब आप चाय को कड़क करने के लिए उसको ज़्यादा पका देते हैं ना, तो अदरक भी ज़्यादा पक जाती है और उसका जो रस है वो ज़्यादा निकलता है ग्रेटिंग में, तो चाय कड़वी होती चली जाती है। इसलिए कूटने से चाय का जो स्वाद है एकदम बैलेंस आता है। ये देखिए, पानी कितना फ्लेवरफुल हो गया, अच्छा सा कलर उसका बदल गया, 2 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया। और अब मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताती हूँ, जो कटिंग चाय वाले करते हैं एक बढ़िया सा क्रीमी चाय बनाने के लिए। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ दूध इसी स्टेज में। चाय पत्ती वगैरह हमने अभी नहीं डालना है, और यही किया जाता है फ्रेंड्स सारे टी स्टॉल्स में। एक्चुअली मैंने वहाँ पे खुद खड़े होके देखा है, इसलिए मैं आपको सारे डिटेल्स बताती जा रही हूँ। वैसे पानी में भी आप चाय पत्ती डाल के चाय बना सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, और होममेड मसाला कैसे बनाते हैं घर पे उस पर भी वीडियो बनाया है, गुड़ वाली चाय भी बनाई है, वो सारे वीडियोज़ का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और एंड स्क्रीन्स में भी डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और दूध को भी मिक्स करके उबालेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूध है ना, आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कोशिश करके बहुत ज़्यादा ठंडा दूध नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फुल फैट मिल्क यूज़ करते हैं ना, तो ठंडा दूध एकदम गर्म में डालने से उसकी मलाई निकल जाती है और तेल छूट जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए, दूध को मैंने अच्छा खासा कढ़ाया, काफ़ी क्रीमी हो गया है। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे शक्कर, तो मैं 2 से 3 टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी स्टेज में फ्रेंड्स आपको डालना है शक्कर, लास्ट में नहीं डालना है, पहले नहीं डालना है, चीनी का आगे पीछे होने की वजह से आपकी चाय में मेजर चेंज आ जाएगा। अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं लास्ट में चीनी डाल के बंद करते, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, शक्कर भी अपना पानी छोड़ती है और उसका जो कच्चापन है वो पूरा खत्म होना चाहिए, तो आखिरी में अगर आप डालेंगे तो चाय पतली हो सकती है। तो इसको भी अच्छे से कढ़ाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल मिल जाए और रस बस जाए उसमें और उसका कच्चापन पूरा निकल जाए। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली सब छोटी मोटी बातें ही होती है, चाय, चीनी, दूध, पानी, यही होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रोसीजर चेंज करके देखेंगे ना और सही तरीके से पकाएंगे ना, तो बहुत फर्क आ जाता है रेसिपी में। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टीस्पून चाय पत्ती के, आप कोई भी चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, कोई मैंने खास चाय पत्ती इसके लिए नहीं खरीदी है। और इसमें भी बॉयल आने देंगे, तो सबसे पहले इसमें पहला उबाल आने देंगे, और फिर जैसे ही उबाल आ जाएगा इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे करीबन 2 मिनट के लिए, ताकि उसका जो टेस्ट है, उसका जो कलर है दूध में अच्छे से आ जाए। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर छूट रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से चाय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी शिद्दत के साथ इसलिए आपको सारी बातें बताते जा रही हूँ कि खुद मैं चाय की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ। अगर घर पे चाय अच्छी ना बने तो मैं नुक्कड़ पे जाके टी स्टॉल में चाय पीती हूँ, और जब वहाँ चली जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मैं 1 मस्का भी खा लेती हूँ उसके साथ।
ये देखिए चाय गढ़ना स्टार्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा और कलर आने देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे रखना है फ्रेंड्स। और एक बार फ्रेंड्स आप इस तरीके से चाय बना के देखिए, यकीन मानिए सारे घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बार बार आप यही वाली चाय बनाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी जब कलर आ जाएगा तो इसको ऐसे ऊपर से ऐसे पोर करते जाएंगे, ऐसे ना गिराते जाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी झाग आ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टी स्टॉल वाले करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चाय एकदम बढ़िया सी बने, पूरी दिन भर की थकान मिट जाए अमित की और अमित को ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, देखते हैं अमित का क्या रिएक्शन आता है ये चाय पीने के बाद। तो काफ़ी सारी झाग क्रिएट हो गई, बस चाय हो गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे सबसे पहले दूसरे बर्तन में। वैसे ही किया जाता है टी स्टॉल्स में भी, लेकिन यहाँ पे मैं लाई हूँ ये बढ़िया सी केटली, इसमें हम चाय को छान लेंगे। और परोसने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कटिंग ग्लासेस और इस चाय को इसके अंदर डाल देंगे। सुपर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है चाय, बहुत परफेक्ट टेक्सचर आया है, क्रीमीनेस लग रहा है, कलर तो आप देखिए एकदम गुलाबी जैसा कलर जैसे मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही कलर आया है। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ इस मक्खन वाले बन मस्का के साथ। ये लो पी के देखो, बताओ क्या लगता है आपको, बनी है कि नहीं टपरी? चलो पी के देखो। वाह मस्त बनी है, टपरी से बहुत अच्छी है, सच बताओ। चीयर्स। मान गए कि नहीं मेरे को? ऑसम। निकालो पैसे। चलो